सीन में मेरे भाई जिनसे प्यार करते हैं उनका रोका हो रहा है, तो कैसे जलेसी है, क्या फीलिंग्स हैं वो दिखाया गया। मतलब आगे क्या ट्विस्ट आने का? आगे तो जब आप देखेंगे तब तभी बता पाऊंगा, बट इतना ही दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपने भाई के लिए। बहुत इमोशन सीन्स गए इससे पहले, तो भाई अंदर से टूटे हुए हैं, तो उनको सपोर्ट करता हूँ उनके प्यार में को मिलाने में। देखा जाए तो आप मूवी भी कर रहे हैं जी, सर मूवी में और सीरियल में एक्टिंग करना कितना डिफरेंट है? ये तो आज शायद बाइट ले रहे हैं तो ही पता लग रहा है कि मूवी और फिल्म में क्या डिफरेंस है। मूवी में आई टॉक अबाउट माई सेल्फ बेसिकली, और टीवी में आपके कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। टीवी में आप अपने कैरेक्टर ज़्यादा पहचाने जाते हैं और फिल्म में आप अपने नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो डिफरेंस एक्टिंग का बस ये होता है कि मूवी में आपको लिबर्टी मिलती है और टीवी में आपको एज डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जाना पड़ता है। टफ कितना है? टफ तो दोनों ही है यार, लेकिन फिल्म्स में आपको टाइम मिलता है लिबर्टी लेके, आप वर्कशॉप्स करके जाते हैं फिल्म्स में, और टीवी में इट्स डेली बेसिस जॉब, तो यू हैव टू डू एक्ट डेली एंड पर सीन वाइज आपको करना पड़ता है। सर देखा जाए तो डायरेक्टर की बात करें, उनके कैरेक्टर का बताएंगे, उनके जो वो बहुत स्ट्रिक हैं यहाँ पे और लेकिन शायद अनिल सर बहुत स्ट्रिक इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है अपने काम से, और वो जानते हैं कि हम सारे एक्टर्स कितना अच्छा कर सकते हैं, तो अगर हम इतना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा दे नहीं रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी डायरेक्टर हो वो भड़केगा, तो इट्स इन हिज नेचर बट इज वेरी स्वीट। देखा जाए तो 22 को आपकी मूवी रिलीज हो रही है जी, जिसके लिए कुछ ऑडियंस को बोलिए। आखिरी 14 के लिए मैं बोलना चाहूँगा 22nd of April माई फिल्म इज़ गेटिंग रिलीज। आप लोग जाइए थिएटर्स में देखिए, इन्जॉय किए, और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है ये, और जाके इन्जॉय कीजिए फिल्म के बारे में, और आई होप ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, फॉर माई फिल्म मेरे को बेसिकली। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।